फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रीडम फूड एक्सप्रेस। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है ओट्स बनाना की स्मूदी। जैसा कि आप जानते हैं, बनाना हमारे हेल्थ के लिए कितना ही अच्छा है। बनाना में मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी, B6, कितनी सारी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा ओट्स हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसमें मैं दालचीनी पाउडर यूज़ करूँगी जो कि हमारे शरीर में भी एंटीऑक्सीडेंट को पूरा करने में सहायता करेगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक के बटन को क्लिक करना ना भूले, और इस वीडियो को शेयर करने में भी कोई कंजूसी ना करें। स्टार्ट करते हैं हमारा ये रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने में मेरा बेटा वेदांत आज मेरी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 स्पून के करीब रोस्टेड ओट्स लिया है, दालचीनी पाउडर 1 स्पून के करीब लिया है, रात भर भिगे हुए 5 से 6 पीसेस मैंने बादाम लिया है जो टोटली ऑप्शनल है, 2 केला यूज़ किया है, और 150 ml के करीब दूध लिया है जिसे मैंने रूम टेम्परेचर में ही रखा है। हनी मैं 1 से 2 टीस्पून के करीब यूज़ करूँगी। सबसे पहले कटे हुए केले को हम जार में ऐड करेंगे, फिर जो रोस्टेड ओट्स मैंने लिया है उसे डालेंगे। फिर दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे और कटे हुए बादाम को भी इसमें डाल देंगे, और हनी 1 से 2 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर देंगे। दैट्स इट। कभी कभी मैं अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर जाती हूँ और प्रोटीन शेक भी स्किप कर जाती हूँ, तो मैं इसके अंदर ही मेरा जो प्रोटीन पाउडर है 2 स्पून के करीब इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास बच्चों को ये देना चाहते हैं तो कोई भी हेल्थ जो सप्लीमेंट है उसे आप ऐड कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा पोषण वाली स्मूदी बन जाएगी। तो इसे ऐड कीजिए और इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करते हैं इसे। ब्लेंड करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से देखने में लगेगी। इसे हम ग्लास में ऐड करते हैं और ऊपर से थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और क्रश किया हुआ आमंड उसके ऊपर डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो हमारी टेस्टी यमी स्मूदी रेडी है। ये मेरे और मेरे मिस्टर जी की बहुत ही फेवरेट है। इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। थैंक यू।